देखिए, दिनांक 10 जून 2023 को थाना बिदनू के गोपाल नगर क्षेत्र में, जो कि न्यू आज़ाद नगर चौकी का क्षेत्र है, वहाँ पर एक घर में रात में नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में ज्वेलरी और कैश चोरी गया था। इसमें थाना हनुमंत विहार, थाना बिदनू और साउथ जोन की सर्विलांस टीम संयुक्त रूप से काम कर रही थी, और फाइनली आज उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त का नाम राकेश है। ये ओरिजिनली जनपद कौशाम्बी का रहने वाला है और पिछले 5 6 साल से यहाँ रामा देवी पे रह रहा था। ये आदतन चोरी करके अब चोरी का माल एक ज्वेलर को बेचता है। इस टीम ने ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया है। ज्वेलर के पास से भी काफ़ी भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है। 100% बरामदगी इस टीम के द्वारा की गई है। इम्पॉर्टेंटली ये है कि सारे टेक्निकल माध्यमों का यूज़ इस घटना के खुलासे में किया गया है। बहुत गहनता से सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए। सर्विलांस का भी बहुत गहनता से यूज़ किया गया, जिसके बाद ये अभियुक्त पकड़ में आया है। इस पूरी घटना के खुलासे के लिए डीसीपी साउथ सर की तरफ से 25,000 का इनाम इस टीम को दिया जा रहा है। ये अकेली घटना को अंजाम देता था कि और भी चीज़ें? इस घटना को इसने अकेले ही अंजाम दिया है, क्योंकि अभी काफ़ी नशे में है। उसको नशे की लत है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बता नहीं पा रहा है। लेकिन इस घटना में जो सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई हैं, उसमें वो अकेला ही चोरी करने आया था और अकेला ही जाते हुए दिखा है। अपराधी के इतिहास देखने से अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हमें ये शंका है कि अलग अलग नाम से और भी कई थानों से जेल गया है, जिसकी अभी गहनता से जांच की जा रही है। अन्य आपराधिक इतिहास मिलते ही बता दिया जाएगा।